वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आया हूँ आप मैं। तो यहाँ पर हम लोगों में से कई लोग एंड्रॉयड का एयरटेल का सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते होंगे, तो इस पर एक पहले वीडियो मैंने बनाया था, एक सेकंड वीडियो भी इस पर बना रहा हूँ कि हम क्या होता है कई बार खासकर विजुअली इम्पेयर्ड को प्रॉब्लम तब होती है जब वो ये हमारा रिमोट जो है इसका ये स्मार्ट रिमोट है ये अनपेयर हो जाता है, क्योंकि ये रिमोट जो है ब्लूटूथ के जरिए जुड़ा होता है। इंफ्रारेड तो होता ही है लेकिन ब्लूटूथ के साथ भी जुड़ा होता है ताकि आपका जो ये जो सिस्टम है इसका क्या नाम है अपना ये क्या बोलते हैं इसको ये अपना एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स, इससे ये जब अनपेयर हो जाता है तो टॉकबैक भी अजीब सी बिहेव करने लगता है और अगर आप दूर चले जाएंगे तो फिर ये रिमोट काम नहीं करेगा। जैसे मैं कमरे से बाहर चला जाऊँगा तो भी ये रिमोट काम करेगा, लेकिन जब ये अनपेयर हो जाएगा तो ये फिर काम करना जो है बंद कर देगा। पेयर करने के लिए आपको करना क्या पहले तो हम ये बात करेंगे। अगर आपका रिमोट अनपेयर हो जाता है तो आपको ये बटन देखिए, ये जो रिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये जो गोल बटन है इसके नीचे जस्ट लेफ्ट हैंड की तरफ एक बैक का बटन है और राइट की तरफ जो है इसका मेन्यू का बटन है, ठीक है। तो आपको बैक और मेन्यू को एक साथ प्रेस करना है 5 सेकेंड तक। ऊपर यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक होगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट, ये देखिए ये लाइट आपको दिख रही होगी, लाइट ब्लिंक होगी, ये ब्लिंक होने के बाद आपका रिमोट पेयर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हम एक बार ऑन कर लेते हैं टेलीविज़न को ताकि आपको समझ आए बात। टीवी ऑन हो गया हमारा। अंगूरी, ये यहाँ पर टीवी चल रहा है, नहीं तो भी कॉपीराइट लग जाएगी अपन को। तो टॉकबैक ऑन कर लेता हूँ मैं ताकि आपको बात समझ में आए। तो एक बार चैनल रिजल्ट्स, टॉकबैक हमारा ऑन हो चुका है, टीवी ऑन है, देखिए टीवी चैनल्स मूवीज शोज एप्स एंड गेम नोटिफिकेशन सेटिंग्स। आई सेटिंग खोलेंगे, यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ बता देता हूँ। सेंजिकन कंटेंट लैंग्वेज Senjiken Wi-Fi in Senjiken Android. Android खोलते हैं। Settings. देखिए मैंने Android खोला है यहाँ पर। अब Android के नीचे अपन को Network and Inter Accounts and Sign Apps Device Preferences Remotes and Accessories. ये देखिए Remote and Accessories का एक बटन है। इसको ओके करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा। Press select Add Accessories. Remotes and Accessories. OKCYA, ये हमारा स्पीकर है, स्पीकर कनेक्ट किया हुआ हमने, तो अभी तो नहीं कनेक्ट किया हुआ कि कनेक्ट है इसमें। ये एयरटेल ये रिमोट है, कनेक्टेड है, इसको ओके करते हैं। रिमोट है कंट्रोल ब्रिज अनपेयर इन लिस्ट टू आइटम्स, अनपेयर कर देता हूँ एक बार इसको। ओके इन लिस्ट टू कैंसिल, ओके करेंगे। ओके ये देखिए अनपेयर जैसे ही मैं करूंगा, अब देखिए हमारा टॉकबैक हमारा बोलना बंद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब सही से नहीं बोल रहा है ना, अब देखिए। और ये वॉइस वाला बटन भी काम, अब ये वाला बटन काम नहीं करेगा, देखिए इसके पास कितना भी कर दो। तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए इसने कहा INR की इंफ्रारेड मोड है तो ये काम नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, देखिएगा। एक तो ये बटन, एक मिनट अच्छे से दिखा हुआ, ये बटन ये वाला, ये एक ये और एक ये वाला, ये दोनों बटन प्रेस करने में एक साथ 5 सेकेंड तक। ओके अब छोड़ देते हैं, देखिएगा क्या पेयर होता है, देखिएगा अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, हो रहा है पेयर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, हमारा रिमोट अब पेयर हो चुका है।
अब ये देखिए, अब बोलने लग गया ना, करना कुछ नहीं है आपको, बस ये देखिए, ये वाला बटन जो ये रिंग जो गोल बनी हुई है, डाउन एरो के जस्ट नीचे बटन दिया गया है, और एक बटन छोड़ के ये जो इधर वाला बटन है, इन दोनों को लॉन्ग प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए। ऊपर एक लाइट ब्लिंक करेगी यहाँ पर, तो वो लाइट ब्लिंक करने के बाद ये जो है हमारा पेयर हो जाएगा रिमोट। अब यहाँ पर अब देखिए, वॉइस सर्च वाले बटन को दबाऊंगा तो काम करेगा ये। Search activity service. Search activity service running. I can't reach the internet right now. I can't reach the internet Check at the moment. Check your modem or router connection, or router connection and try again. ठीक है? Settings. तो अब क्या है, रिमोट को चाहे मैं कहीं भी ले जाऊं, ये टीवी दूर तक काम करेगा। मैं चाहे बाहर चला जाऊं यहाँ से तो भी ये रिमोट काफ़ी, अगर मैं छत पे भी इसको ले जाऊं तो भी काम करेगा। इसी कमरे में पड़ा रहेगा रिमोट, लेकिन काम करेगा। बस आपको बैक और मेन्यू बटन को एक साथ 5 सेकंड तक प्रेस रखना, अगर ये कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो। Connected. अब एयरटेल हमारा कनेक्टेड है, आपको सेटिंग के अंदर और रिमोट एंड एक्सेसरी में जाना है। आशा आप समझ गए होंगे। ये देखिए ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। Device preferences, apps, device preferences, remotes and accessories. ये रिमोट एंड एक्सेसरीज, ठीक है? तो इसमें आप जाकर इसे पेयर या अनपेयर कर सकते हैं। अगली इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे इसके अंदर कि किस तरह से आप इस, अगर आपके इस सेटअप बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि फैक्ट्री डेटा रीसेट कैसे कर सकते हैं, तो वो बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।